गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कल बेटा वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से आपके पास आवाज क्लियर नहीं आ पाई थी, तो आज हम फिर से स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओपन योर बुक, बुक ए, चैप्टर फर्स्ट, पेज नंबर 1, शेप्स एंड स्पेस। जंप स्टार्ट। ओके स्टूडेंट्स, ये वाला देखिए, जंप स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कलर द रेक्टेंगल ग्रीन। जो रेक्टेंगल शेप है उस पे हमें कौन सा कलर करना है? ग्रीन। द ट्राइंगल रेड। जो ट्राइंगल है उस पे कौन सा कलर करेंगे हम? रेड। द स्क्वायर ब्लू। जो स्क्वायर शेप है उस पे हम कौन सा कलर करेंगे? ब्लू। एंड द सर्किल ऑरेंज। जो सर्किल है उस पे हम कलर करेंगे ऑरेंज। ओके, चलो हम जल्दी से आइडेंटिफाई करते हैं शेप्स को। जो ये वाली शेप है ना बेटा, इसे हम ट्राइंगल कहते हैं। आपने इसकी जैसे शेप देखी होंगी जब आपने सैंडविच खाया होगा या फिर पेटीज खाई होगी, है ना? तो सैंडविच पैटीज इसी शेप्स की होती है, होती है ना? तो ये कौन सी शेप हुई? ट्रायंगल। ओके, सेकंड रेक्टेंगल। अब आपने रेक्टेंगल शेप देखी होगी, जैसे कि हमारे पास ये पेज है तो ये इसी का जैसा है ना बेटा, जिसकी दोनों अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अगर ये इतनी बड़ी है तो ये भी इतनी ही बड़ी होगी, ठीक है बेटा? इसकी दो साइड बड़ी होती हैं और दो साइड छोटी होती हैं। अपोजिट साइड्स इक्वल होती है बेटा। थर्ड वन इज सर्किल। अब सर्किल तो आप सब जानते ही हो, कैसा होता है? घर पर मम्मी जब आपको चपाती खिलाती है, रोटियां खिलाती है, तो उनकी शेप कौन सी होती है? सर्किल शेप होती है, है ना? चूड़ियां देखी होंगी, उनकी शेप कौन सी होती है? सर्किल शेप होती है। ओके, नाउ स्क्वायर। स्क्वायर शेप होती है जिसकी ऑल साइड्स यानी कि चारों लाइन जो होती है वो इक्वल होती है, ठीक है? जैसे कि ये जो वॉच दिख रही है आपको, इसकी फोर साइड्स इक्वल है ना, तो ये क्या हुई? स्क्वायर शेप। और जो ये आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, इसकी शेप कौन सी होगी? रेक्टेंगल शेप। ओके स्टूडेंट्स, समझ आया आपको? तो अब हमें इनमें कौन कौन से कलर करना है देखिए, यहां पे आपको रेड कलर करना है, यहां पे ग्रीन, यहां ऑरेंज एंड यहां ब्लू। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, टिक द बॉक्स एंड क्रॉस द बॉक्स। ओके, आइडेंटिफाई कीजिए कि यहां पे बॉक्स कौन सा है? दिस वन, एंड बॉल दिस वन। तो आपको टिक कहां पे करना है? बॉल पर। तो आप बॉल पर टिक कीजिए। ओके, एंड क्रॉस द बॉक्स। अब बॉक्स कौन सा है? ये वाला। तो यहां पे क्या करेंगे आप? क्रॉस कीजिएगा। ओके, नाउ टिक व्हाट यू ऑलरेडी नो। अब यहां पे आपको टिक करना है, नाउ टिक व्हाट यू ऑलरेडी नो। इन पर टिक कीजिए जिनको आप पहले से जानते हैं। आइडेंटिफाई स्क्वायर। अब आप तो घर पे देखिएगा कि कौन कौन सी जो चीज है, थिंग्स है, वो स्क्वायर की जैसी हैं। ओके, उसके बाद आइडेंटिफाई रेक्टेंगल। रेक्टेंगल टाइप के शेप देखनी है घर पे, है ना? इसी तरह से ट्राइंगल, सर्किल, बॉक्स एंड बॉल। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पेज नंबर 4, लेट्स ट्राई 1.1। पेज नंबर 4, लेट्स ट्राई 1.1। टिक द ऑब्जेक्ट डेट हैज द सेम शेप
and each of given should solid shapes. Okay, this one is cube. जो बॉक्स शेप होती है बेटा, जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, उसे हम कहेंगे क्यूब. ओके, अब मुझे बताइए कि इन तीनों शेप्स में से इसके जैसी शेप कौन सी है? ये वाली है ना डाइस, तो इसको आप टिक कर देंगे. ओके, इसी तरह से बी, ये है क्यूबॉइड. क्यूबॉइड जैसे कि घर पे इंक होगी या फिर इरेजर, तो ये किससे मैच कर रहा है? इरेजर से ना. इसी तरह ये शेप कौन सी है? सिलेंडर शेप. तो ये किससे मैच कर रहा है बेटा? अगर इसको हम सीधा खड़ा कर देंगे तो ये इसका जैसा हो जाएगा ना, तो ये इससे मैच कर रहा है. ये क्या है बेटा? कौन? ये किससे मैच कर रहा है? इस वाले से, है ना. तो इसको टिक लगा देंगे. अब ये क्या है? स्फेयर. स्फेयर यानी कैसा दिख रहा है? ये बॉल जैसा, तो इसको बॉल से टिक कर देंगे. इजी है ना. ठीक है, नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 2. मैच द ऑब्जेक्ट्स विद द नेम ऑफ देयर शेप्स. ओके, ये कौन सी शेप थी? सिलेंडर शेप. सिलेंडर ऐसा ही होता है ना, गोल 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 होता है कि नहीं होता? तो इसको हम किससे मैच करेंगे? सिलेंडर. चलो सर्च करते हैं सिलेंडर कहां पर है. ये स्फेयर है, ये क्यूबॉइड है, ये सिलेंडर. तो हम पेंसिल से इसको मैच कर देंगे. ओके स्टूडेंट्स, ये डाइस है, लेकिन ये किस शेप में है? क्यूब. अब हम सर्च करते हैं, फाइंड करते हैं. चलो कहां पर है? स्फेयर, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कौन? क्यूब. तो क्यूब यहां मैच कर देंगे. कैरेट. कैरेट आपने देखी है, आगे से कैसी होती है? वाइड वाइड, मोटी मोटी, है ना. नीचे से बिल्कुल पतली पैनी, है ना. किस शेप की होती है ये? इस शेप की होती है ना. तो ये कौन सी शेप हुई? कौन. ओके, अब कौन कहां पे है? चलो जल्दी से देखते हैं अपन. कौन? ये रहा. इसको हम यहां से मैच कर देंगे. ओके, नाउ ये कौन सी है? मैचस्टिक बॉक्स, है ना, अपने घर पर होता है ना. ठीक है, नाउ तो इसकी शेप कौन सी हुई? क्यूबॉइड. क्यूबॉइड ये वाली. तो अब यहां पे हम सर्च करें क्यूबॉइड कहां पर है. चलो ये रहा क्यूबॉइड, दिख गया ना आपको. नाउ ये क्या है? ऑरेंज. ऑरेंज. ऑरेंज कैसा है? स्फेयर. स्फेयर शेप का. तो इसको स्केट से. ओके, चलो अब हम जल्दी से स्फेयर, क्यूबॉइड ये बनाना सीखते हैं, है ना. जल्दी से जल्दी से. चलो ध्यान दो. ये क्या था बेटा? दिस वन इंच ट्रायंगल. ओके, तो अब हम इसको क्या बनाएंगे? कोण बनाएंगे. चलो देखो कैसे बनाते हैं. देखो अच्छा लगेगा. बन गया ना क्यूब. कौन बन गया ना बेटा? इजी था ना बेटा. इसी तरह से रेक्टेंगल से क्यूबॉइड बनाते हैं. चलो यहां सेंटर में बीच में एक पॉइंट लेंगे. ठीक है, यहां से एक लाइन यहां नीचे, एक लाइन यहां, और एक और रेक्टेंगल बना देंगे. ये बन गया हमारा एक और रेक्टेंगल. बन गया ना. Now, इसको यहां टच कर देंगे, इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से टच कर देंगे, इस कॉर्नर को इस
ये क्या बन गया हमारा क्यूबॉइड।